नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं thelallantop.com। 8 नवंबर 2016 भारत के लिए ऐतिहासिक तारीख। क्यों? क्योंकि इसी दिन नोटबंदी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए और 500 और 1000 के नोट तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए। इस बात को 2 साल से कुछ ज़्यादा का वक्त बीत गया है। इन 2 सालों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने लगातार इस फैसले की तारीफ की और विपक्ष ने लगातार इस फैसले की आलोचना की। देश विदेश के आर्थिक विशेषज्ञों ने भी अपने अपने हिसाब से इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में लिखा और अपने तर्क रखे। रिजर्व बैंक ने पक्ष और विपक्ष में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बताया कि नोटबंदी के बाद 99.7% पुराने नोट बैंक के पास पहुँच गए। ये आंकड़े सामने आने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ ही कई और दूसरे लोग इसका बचाव कर रहे थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने खुद ही मान लिया है कि नोटबंदी से नुकसान हुआ है और इस बात की पुष्टि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने की है। वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसद की एक स्थायी समिति की बैठक में कृषि मंत्रालय ने माना है कि पैसे की कमी की वजह से किसान खाद और बीज नहीं खरीद सके और इसकी वजह से किसानों को बेतहाशा नुकसान हुआ। संसद के इस स्थायी समिति के चेयरमैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली हैं। इस कमेटी में कुल 31 सांसद हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय ने नोटबंदी के असर पर एक रिपोर्ट भी संसदीय समिति को सौंपी है। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट की खास बात। नोटबंदी के फैसले का सबसे खराब असर किसानों पर पड़ा था। किसानों के पास कैश न होने की वजह से वो रबी के सीजन में बुआई के लिए खाद और बीज तक नहीं खरीद सके। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी लागू हुई थी, तब किसान अपनी खरीफ की पैदावार बेच रहे थे और उससे मिले पैसे से रबी की फसल की बुआई की तैयारी कर रहे थे। अचानक से नोटबंदी की वजह से किसानों के पास पैसे खत्म हो गए और उनको बुआई में दिक्कतें हुईं। जो बड़े किसान थे उन्हें भी दिक्कतें हुईं। उन्हें खेतिहर मजदूरों को मजदूरी देनी थी, लेकिन पैसे न होने की वजह से वो मजदूरी तक नहीं दे पाए और इसका खासा नुकसान हुआ। नकद पैसे न होने की वजह से राष्ट्रीय बीज निगम 1,38,000 क्विंटल गेहूं का बीज नहीं बेच सका। इससे कृषि विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जब सरकार को इस बारे में पता चला तो गेहूं के बीज खरीदने के लिए 1,000 और 500 रुपए के पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट दे दी गई। इसके बाद भी राष्ट्रीय बीज निगम गेहूं के बीज नहीं बेच पाया। ये तो हुई कृषि मंत्रालय और संसदीय समिति की रिपोर्ट की बात। बाकी तो चुनाव चल रहे हैं, केंद्र सरकार हर तरह से इस फैसले के बचाव में लगी हुई है और विपक्ष हर तरह से इस फैसले को गलत साबित करना चाहता है। नतीजा क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप इस वीडियो का यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए thelallantop.com। शुक्रिया।